गोरखनाथ पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 9 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। गोरखनाथ थाने पर घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर स्प्रिंगर तिराहे के पास वीर बहादुर सिंह मेमोरियल महिला महाविद्यालय के मुख्य गेट पर से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आकाश मलिक पुत्र दीपांकर मलिक निवासी उत्तम नगर पश्चिमी सीप बिहार थाना उत्तम नगर न्यू दिल्ली वर्तमान पता साधना औषधालय रोड जिला नॉर्थ परगना साउथ दमदम पश्चिम बंगाल आलिमीन शेख पुत्र जहूर अली शेख निवासी साधना औषधालय रोड कोलकाता पश्चिमी बंगाल सुहाग मुंशी पुत्र कबीर मुंशी जिला पानीपत हरियाणा धोलू मलिक पुत्र शाह मलिक निवासी न्यू दिल्ली रहीम कुरैसी पुत्र तस्लीम कुरैसी निवासी ग्राम शिवपुरी पोस्ट अतरौली थाना छर्रा जिला अलीगढ़ मोहम्मद हसन पुत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन निवासी ग्राम शिवपुरी पोस्ट अतरौली थाना छर्रा जिला अलीगढ़ सातवा मोहम्मद शाहिद पुत्र नूरे इस्लाम निवासी ग्राम शिवपुरी पोस्ट अतरौली थाना छर्रा जिला अलीगढ़ हयात खान पुत्र आमिर खान निवासी थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद तथा नसीमा बेगम पत्नी मोहम्मद मुकीम निवासी सीमन मनी झाला चौक थाना सिट्टी जिला अररिया किशनगंज बिहार के रूप में हुई है, जिनके पास से एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस लकड़ी का डंडा सरिया पाइप दो कुल्हाड़ी लोहे का सब्बल 11,000 नगद दो पल्सर मोटरसाइकिल बरामद किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त विभिन्न प्रांतों व जनपदों में घूम घूम कर गिरोह बनाकर रात्रि व दिन में सुनसान स्थानों पर लूट चोरी डकैती जैसे आपराधिक घटना को अंजाम देते थे और फरार हो जाते थे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह वरिष्ठ उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह धर्मशाला चौकी प्रभारी धीरेन्द्र कुमार राय क्राइम ब्रांच प्रभारी अरुण कुमार सिंह हेड कांस्टेबल अजय नारायण सिंह इम्तियाज खान अंजनी सिंह विपेंद्र मल राजमंगल सिंह जितेंद्र सिंह रशीद अख्तर कुतुबुद्दीन खान सर्विलांस सेल कांस्टेबल अशोक चौधरी अरुण राय मनीष सिंह नीरज यादव महेंद्र नाथ देवेंद्र प्रताप यादव शशिकांत यादव धर्मराज गौतम विपिन कुमार यादव महिला कांस्टेबल छाया पांडे नीतू सरोज शामिल रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा ये अंतर्राज्यीय गैंग है, ये चेन स्नैचिंग कप्पेबाजी लूट आदि घटनाएं कार्यरत करते थे ये लोग, और ये अलग अलग राज्यों के हैं। जैसे आकाश मलिक है पश्चिम बंगाल से है, आलामिन शेख है पश्चिम बंगाल से, सुहाग मुंशी हरियाणा है, इसी तरह से धोलू मलिक है, रहीम कुरैशी मोहम्मद हसन मोहम्मद शहीद हयात खान और नसीमा बेगम, ये सारे गैंग थे। ये लोग घूमते रहते हैं, जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ पे ये लोग घटना को कारित कर देते हैं। मोहम्मद हसन जो है अलीगढ़ का रहने वाला है, उम्र 36 वर्ष, ये इनका गैंग लीडर था। जिले में इन्होंने 4 घटनाएं इन्होंने की हैं, जिसमें से 3 घटनाएं गोरखनाथ की है और 1 घटना पीपीगंज की है, और इसके अतिरिक्त बाकी इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है।
गोरखपुर में भी रहा है और बाकी जगह भी रहा है। घटना देखिए, ये लोग घूमते रहते हैं, जहाँ भी इनको मौका मिलता था वहाँ पे ये लोग रेकी करते थे और घटना खरीद कर देते थे। अभी किराए पे भी ये लोग संत कबीर नगर में रुके हुए थे और जहाँ भी इनको मौका मिलता था वहाँ ये घटना खरीद करते थे। इनके पास से एक अदद देसी तमंचा 315 बोर, एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर मिला है। इसके अतिरिक्त अलग अलग लोगों से अलग अलग बरामदगी की गई है, जैसे 8600 रुपये बरामद किए गए हैं सुहाग से, आकाश मलिक से, दोनों मलिक और नसीमा बेगम से। 2400 रुपये बरामद किए गए हैं रहीम कुरैशी और ढोलू मलिक से। इसके अतिरिक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल जो कि थाना पीपीगंज से इन्होंने चुराई थी वो बरामद की गई, और एक और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। इनको स्प्रिंगर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। महिला भी गैंग का एक अभिन्न अंग है और ये बिहार के रहने वाली है, उम्र 40 वर्ष। ये भी इनके साथ ही घटनाओं को कार्यरत करते हैं। अभी तक जो उन्होंने बताया इतना ही है, बाकी आगे की पूछताछ और की जाएगी।